नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल इन्वेस्ट में। तो दोस्तों, आज की शाम फिर से तैयार हो जाइए एक धमाकेदार खबर के लिए हमारे चैनल पे। आज का न्यूज़ है, सबसे बड़ा न्यूज़ है, वो है हम कवर कर रहे हैं KEC इंटरनेशनल। जी, KEC जो कंपनी है दोस्तों, ये आपको पता होगा कि इसलिए हम इसको आज कवर कर रहे हैं कि KEC को 1566 करोड़ का एक बहुत बड़ा ऑर्डर्स इनको मिला है। अब ये KEC इंटरनेशनल के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। KEC इंटरनेशनल जो कंपनी है दोस्तों, ये आपका ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सिविल, ऑयल, गैस पाइपलाइन, केबल्स में ये एक बहुत बड़ा मार्केट लीडर है। तो दोस्तों, ये कम से कम ये कंपनी जो है हंड्रेड कंट्री से ज़्यादा में इसमें सप्लाई करता है। ये एक्सक्यूट प्रोजेक्ट किस में करता है? पावर, ट्रांसमिशंस, डिस्ट्रीब्यूशंस, रेलवे, सिविल, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल गैस पाइपलाइन आदि में ये अपने में मार्केट में एक वर्चस्व पैदा किया है। तो दोस्तों इसका जो 500 के आसपास का शेयर प्राइस चल रहा है और इसमें ज़बरदस्त इसमें अपग्रेडेशन हो सकता है और ये बहुत अच्छा से इसको करेगा। तो चलते हैं थोड़ा आगे KEC के बारे में। तो जैसे आप देख रहे हैं 110 से ज़्यादा कंट्री में इसका फुटप्रिंट है, या EPC इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन एंड सप्लाई में ये दखल रखता है। तो ये $2.1 बिलियन है ना, लगभग 15,500 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट वैल्यू है। और ये आने वाले समय में वन ऑफ द बेस्ट अपने एरिया में मल्टीबैगर साबित हो सकता है। तो दोस्तों, इसकी जो टोटल ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, ये 422,200 मिलियन टन पर एनम की इसकी ग्लोबल कैपेसिटी है, जो अपने आप में मैसिव है और इसको अपने में मार्केट लीडर बनाती है। खासकर जितने भी इलेक्ट्रिकल्स केबल्स और इलेक्ट्रिकल के जो बॉयलर्स होते हैं और इलेक्ट्रिकल्स रेजुलेटर, जितने भी हैवी इक्विपमेंट हैं उसमें ये बहुत बड़ा दखल रखता है। और तमाम प्रोजेक्ट इंडिया के जो इन्होंने कंप्लीट किए हैं उसके बारे में भी आप इसके वेबसाइट में जाके विजिट कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में ज़बरदस्त कंपनी है और कैपिटल बैकग्राउंड में आती है, इसलिए इसके ऊपर अपने को नज़र रखनी चाहिए। तो दोस्तों, हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल चर्चा करते हैं कि इसके सबसे पहले, जैसे हम बताते हैं आपके, इसकी अच्छी चीज़ें प्रॉस कॉन्स इसमें हम चर्चा कर लेते हैं, और चर्चा करने के बाद हम इसमें आगे इसके विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रॉस में ज़्यादा नहीं है दोस्तों, प्रॉस में अच्छी चीज़ में एक ही कमेंट आया है। एक कमेंट ये बताया है कि कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट 31.1%। तो ये बहुत अच्छा हेल्दी पे आउट डिविडेंड भी देता है और इसके कारण कि इसमें बहुत अच्छी माना जाएगा। चलते चलते हम इसको थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट भी चर्चा कर लेना जरूरी है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो लेना ही पड़ेगा। अच्छी चीज़ें बता रहे हैं, बुरी चीज़ नहीं बता रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है, है ना। तो इसका कॉन्स क्या है? कॉन्स में क्या है? कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब बता दोस्तों, कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसका मतलब यह होता है कि मान लीजिए ये मार्केट में 100 करोड़ का लोन लिया, उसका 8% ब्याज सालाना पटाना है, है ना। तो अब 8% मतलब 8 लाख रुपया हुआ, 80 लाख रुपया हुआ, तो ये लो इंटरेस्ट कवरेज को कवर करता है रेशियो। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो इंटरेस्ट मार्केट से ये ब्याज में पैसा लेता है और उसके अगेंस्ट इसको जो प्रॉफिट कमाना चाहिए वो उसका थोड़ा मार्जिन कम है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं कि कंपनी हैज़ डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ 11.4 ओवर पास्ट 5 ईयर्स। तो ये भले ये बाय डिफ़ॉल्ट लिया गया है 11.4 का सेल्स ग्रोथ है, कि मतलब हर साल 100 है तो अगले बार 11% बढ़ेगा, तो ये ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ये फ़िलहाल 11.4 में है पिछले 5 साल से। ये टैक्स रेट सीम्स लो, टैक्स रेट्स इसमें कम है। इसके बाद बोलते हैं कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी 10.5 ओवर लास्ट 3 ईयर्स। तो लास्ट 3 ईयर्स में इसका रिटर्न ऑन कैपिटल में जो इक्विटी है ना, उसमें 10.5 का एक एवरेज जंप मिलता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा देखते हैं कि इसका मार्केट कैप का इसका 15,187 करोड़ आज के डेट में है, और करेंट प्राइस जो है 591 रुपये का इसका करेंट रेट है।
52 अगर लो और हाई में बात करते हैं तो दोस्तों ये 436 रुपये का ये लो और 748 रुपये तक गया है। अब मुझे लगता है कि ऑर्डर मिलने के बाद ये 748 का जो इसका 52 वीक हाई है उसको ही आराम से क्रॉस कर सकता है। स्टॉक पीए की बात करें तो 80.80 का ये पी है, थोड़ा सा लिटिल बिट हायर साइड है, बुक वैल्यू 150 है कि मार्केट रेट से थोड़ा सा कम है। तो दोस्तों इनको जो मिला है केसी इंटरनेशनल जो 1566 करोड़ का, ये अपने आप में बहुत बड़ा ऑर्डर माना जाएगा और इसके चलते ही इसको रडार में रखना चाहिए। तो दोस्तों इसमें हम देखते हैं कि अगर इसके जो समकक्ष कंपनियों के में इसका क्या अनुपात है। तो दोस्तों केसी इंटरनेशनल जो है इसका जो पी रेशियो 80 है, इसी के साथ अगर कल्पतरु प्रोजेक्ट की बात करें तो वो 26 का पी रेशियो लेके चल रहा है। इसका ही इक्विवेलेंट है ज्योति स्ट्रक्चर्स में, ये है 87 का पी रेशियो चल रहा है। और विवियाना पावर जो ये छोटी छोटी कंपनियां हैं, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी है अपने मार्केट में केसी इंटरनेशनल के टक्कर का कोई दूसरी कंपनी है नहीं, एक कल्पतरु प्रोजेक्ट को रडार में रख सकते हैं। वो 26 का पी सस्ता है और मार्केट प्राइस इससे महंगा है, लेकिन उसका मार्केट कैप है 10,000 करोड़ के आसपास है। तो केसी इंटरनेशनल इसमें लीडर की रूप में ये आया है। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए कि केसी इंटरनेशनल को जब आप इसकी वेबसाइट में जाकर सर्च करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि केसी इंटरनेशनल कहाँ कहाँ काम करता है। और इंडिया के ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर इलेक्ट्रिकल के अगर संबंधित रेलवे केबल में ये बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स इसको मिलते जा रहे हैं। तो हमारा तो मानना है कि ये जो 500-600 है ये आराम से आज 4-5 साल पहले 150 के आसपास था, अब देखिए 3 से 4 गुना हो ही गया है ना। तो इस प्रकार की कंपनी में निवेश करेंगे जो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमेशा ऑर्डर मिलते रहता है। और ये एलएनटी के टक्कर का तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक समय एलएनटी भी ऐसी छोटी कंपनी थी, या धीरे धीरे बड़ा हुआ है। तो हमको छोटी कंपनियों में जो छोटी कंपनी है उसी में लगा के हम उसको बड़ा अपना वैल्यू बड़ा कर सकते हैं। तो एक छोटा सा विश्लेषण था केसी इंटरनेशनल के बारे में, और इसको रडार में रखिए और रडार में रख के इसमें निवेश करेंगे। कल देखिए ज़बरदस्त विस्फोट करेगा ये शेयर और ये भागेगा मार्केट और ये 1000 की तरफ अभी रैली करना चालू कर देगा। आशा करता हूँ मेरा एक छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो हमको सब्सक्राइब करके आशीर्वाद दीजिएगा।